हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी एनए का अर्थात दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर दोस्तों, जो आपका बिल्कुल जेन्युइन पेपर है और ये आपका दोस्तों ब्रह्मपुर का है। इसका दोस्तों हमने पार्ट नंबर वन आपको करा दिया था, यदि आपने ना देखा हो दोस्तों आपको हम यहाँ पर लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप दोस्तों पार्ट नंबर वन को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हमने पार्ट नंबर वन में आपके दो तीन एक सेक्शन कराए हैं जिसमें आपका दोस्तों जीके का सेक्शन है और साथ ही साथ दोस्तों आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का भी सेक्शन है। तो यहाँ पर आज देखेंगे दोस्तों आप केमिस्ट्री वाला सेक्शन, जहाँ पर आपके महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के अर्थात दोस्तों आपको रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, तो पार्ट नंबर टू को भी आप देखेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो सके। तो आज शुरू करते हैं आराम से, आप देखिए और एक कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर रिएक्शंस मिलेंगी उनको दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं, निकालते हैं पेपर दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर ई में आ जाइए आप, और यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन दोस्तों, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं केमिस्ट्री के, और जो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप देखेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, डेकन की प्रक्रिया के द्वारा किसका दोस्तों विनिर्माण होता है, अर्थात आपको बताना है डेकन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इसके द्वारा क्या बनता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, या क्लोरीन बनेगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। इसके द्वारा दोस्तों क्लोरीन बनता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्लोरीन दोस्तों बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तत्व का कौन सा वाला गुण अचर रहता है, अर्थात आपको बताना है विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी वाली कॉन्स्टेंट रहती है दोस्तों, अर्थात अचर रहती है, जो नहीं बदलती, वो वाली प्रॉपर्टी आपको बतानी है एलिमेंट की। या आपका संयोजकता होगा, या फिर परमाणु भार होगा, या फिर परमाणु द्रव्यमान होगा, या फिर आपका समान द्रव्यमान होगा। इनमें से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए वैलेंसी भी बदल जाती है दोस्तों, एटॉमिक वेट भी बदल जाता है, इक्विवेलेंट मास भी दोस्तों इवन बदल जाता है, लेकिन आपका एटॉमिक मास जो आपका होता है दोस्तों वो नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है द एटॉमिक थ्योरी वाज फर्स्ट फॉरवर्ड बाय, ये आपका दोस्तों डेमोक्रिट्स ने, या न्यूटन ने, या जॉन डॉल्टन ने, या फिर लेओइजर ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉन डॉल्टन ने दी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जॉन डॉल्टन ने दोस्तों सर्वप्रथम दी, और यहाँ पर देखिए इन्होंने दोस्तों 70s में ये लगभग दी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का आवेश जानने के लिए कौन सा वाला प्रयोग उत्तरदायी होता है, आपको बताना है विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये आपका दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, या रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन होगा, या फिर कैथोड किरणों के विसर्जन ट्यूब का प्रयोग होगा, या फिर मिलिगन का आयन ड्रॉप प्रयोग होगा। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कैथोड किरणों का दोस्तों विसर्जन ट्यूब प्रयोग हो जाएगा, अर्थात कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ में प्रक्रिया करके क्या बनाता है, आपको बताना है दोस्तों क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन गिव्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप नोट कर लेंगे, जब आप दोस्तों क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं एसीटोन के साथ में दोस्तों, ये आपकी KOH की प्रेजेंस में होती है, अर्थात दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में दोस्तों ये रिएक्शन आपकी संपन्न होती है, फुलफिल होती है, तो इसमें दोस्तों आपका बनता है क्लोरोटोन दोस्तों, क्लोरोटोन आपका बनता है दोस्तों, जो दोस्तों ये क्या होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग होता है, अर्थात एक प्रकार का दोस्तों हाइपनोटिक होता है, सम्मोहक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला देखता है दोस्तों, आपको हाइपनोटिक आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका क्लोरोटोन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाला कोलबी वैद्युत अपघटनीय प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनता, आपको बताना दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलवे की इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं दोस्तों संक्षिप्त में, आप यहाँ पर नोट करेंगे शॉर्ट में। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए होता क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन का दोस्तों जो आपका पोटेशियम या फिर आपका सोडियम का होता है, मान लीजिए आपका पोटेशियम का आपने ले लिया दोस्तों, या फिर आपने सोडियम का ले लिया, कार्बोक्सिलिक आयन दोस्तों मान लीजिए आपका हो जाएगा RCOONA आपने लिया, और इसकी रिएक्शन होती है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हैं H2O के साथ में आपने कर दिया, तो ये क्या देगा दोस्तों यहाँ पर देखिए आप नोट करेंगे, ये देगा दोस्तों आपको RR, जो कि दोस्तों क्या है एल्केन, यहाँ पर R एल्केन है आपका, RR देगा दोस्तों, प्लस आपका NaOH आपका होता है, और इसमें दोस्तों आपका CO2 निकलती है। कभी क्वेश्चन हो सकता है आपका आए कौन सी वाली यहाँ पर किसका क्या निकलता है दोस्तों, इसमें आपका CO2 निकलता है, तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों RR बनता है, RR यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है एल्केन, अब एल्केन में यदि आप छोटा एल्केन लें दोस्तों आपका, तो आपका आ जाएगा CH3, तो इसमें दोस्तों आपका CH3 दो बनते हैं कंबाइन में, हमेशा दोस्तों आपके कंबाइन में होंगे, क्योंकि ये आपके फ्री रेडिकल होते हैं दोस्तों, और फ्री रेडिकल आपको पता होगा कंबाइन में ही बनते हैं, ये आपके सिंगल नहीं होते। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो आपका सबसे छोटा वाला बनता है वो आपका एथेन बनता है, एथेन मतलब आपका CH3 अर्थात C2H5H6 आप कह सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका सबसे छोटा वाला बनता है, और आपके जो भी बनेंगे दोस्तों कोलवे के द्वारा वो हायर
आपके क्या बनेंगे, एल्किन बनेंगे दोस्तों, इससे आपके हायर ही बनेंगे। तो इनमें दोस्तों आपका देखिए कार्बन की जो कम से कम संख्या होगी वो आपकी दो होती है, इसके ऊपर ही आपका रहेगा दोस्तों। तो आप कह देंगे इसके द्वारा दोस्तों आपका मीथेन जो आपका CH4 या फिर CH3 आप कहें, ये दोस्तों आपका नहीं बनता। तो इसीलिए आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, CH4 दोस्तों आपका इसके द्वारा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखता है, जेलदाही विधि के द्वारा दोस्तों CH4 का उपयोग काहे में किया जाता है, आपको बताना है इसका क्या कार्य होता है दोस्तों। आपको बताना दोस्तों इन जेलदाही मेथड्स CH4 एक्ट एज, ये दोस्तों किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहिए जेलदाही रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जो भी आपका ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दोस्तों, यदि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस है तो उसका पता लगाते हैं दोस्तों, उसको निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए इस्तेमाल होता है क्या, CuSO4। आपने देखा यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, इसमें आपका दोस्तों CuSO4 इस्तेमाल होगा। तो इसके द्वारा दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर दोस्तों आपका CuSO4 किस प्रकार से कार्य करता है, एक कैटेलिस्ट की तरह दोस्तों यहाँ पर यूज़ में आता है, अर्थात एक उत्प्रेरक की तरह दोस्तों कार्य करता है, जो कि रिएक्शन को दोस्तों आपका फास्ट करता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ये एक प्रकार से दोस्तों उत्प्रेरक कर्मक की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संपर्क लेंस से बने होते हैं, आपको बताना है दोस्तों कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड ऑफ, किसके द्वारा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार के प्लास्टिक मटेरियल के द्वारा बने रहते हैं। आप नोट कर लेंगे प्लास्टिक मटेरियल आपका होता है दोस्तों, जो कि आपका होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजेल भी होता है दोस्तों, या फिर आपका सिलिकॉन हाइड्रोजेल भी होता है, या फिर आपका हाइपरजेल भी होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा वाला दिया है आपको, आपको यहाँ पर देखिए सिलिकॉन हाइड्रोजेल दिया है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे सिलिकॉन हाइड्रोजेल भी होता है, या फिर हाइड्रोजेल भी आप कह सकते हैं दोस्तों, या फिर आपका हाइपरजेल भी दोस्तों आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलिकॉन हाइड्रोजेल दोस्तों आपको दिया गया है, ये दोस्तों प्लास्टिक का बना रहता है बेसिकली, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 48 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, अर्थात आपको बताना है द नंबर ऑफ मोल इन 48 ग्राम हीलियम आर। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपको मोलों की संख्या बतानी होगी, नंबर ऑफ मोल बताना होगा दोस्तों, तो आप ग्राम में मात्रा जो भी आपको दिया दोस्तों ग्राम में मात्रा ले लेंगे, बट्टे दोस्तों उसका अणुभार आप ले लेंगे जो भी आपको यहाँ पर दिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया हीलियम, तो आपको मात्रा 48 दी है और भार आपको पता होगा दोस्तों कितना होता है, 4 होता है, तो ये दोस्तों आपको 12 देगा, अर्थात 12 देगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 12 मोलों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया पूछा गया है निम्न में से कौन सा वाला सामग्री जल के शोधन के लिए उपयुक्त होती है, अर्थात दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा वाला सुटेबल होगा, जियोलाइट होगा या एस्बेस्टस होगा या सिलिकॉन होगा या फिर दोस्तों क्वार्ट्ज होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से आपका जियोलाइट हो जाएगा दोस्तों, पहले आपको जियोलाइट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए जियोलाइट दोस्तों एक प्रकार का खनिज होता है जो कि ज्वालामुखी या फिर राख की रिएक्शन दोस्तों जब बेसिक वाटर से होती है, अर्थात जो आपका क्षारीय जल होता है उससे होती है दोस्तों, तो उससे बनता है आपका जियोलाइट। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए नॉर्मली इसका नाम कहा जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट, आप याद रखेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों आपका क्या होता है, जियोलाइट ही होता है दोस्तों। तो इसका यूज़ दोस्तों आप वाटर प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ता है, यहाँ पर देखिए आपको दिया है हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड विद, आपको बताना है दोस्तों हाइड्रोजन किसके साथ में डायरेक्टली अर्थात सीधे तौर पर दोस्तों जुड़ सकता है, ये दोस्तों आपका निकल के साथ में या गोल्ड के साथ में या फिर कैल्शियम के साथ में या फिर कॉपर के साथ में। इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए निकल गोल्ड या फिर कॉपर या फिर कैल्शियम में दोस्तों आपका सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम के साथ में दोस्तों सीधे तौर पर जुड़ सकता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए इनकी आप रिएक्शन नोट कर लेंगे, Ca+H2 करते हैं तो आपका बनता है दोस्तों आपका CaH2, और अदर की आप बात करेंगे दोस्तों तो इनके साथ में डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाला पदार्थ विद्युत कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है, अर्थात आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा वाला पदार्थ ऐसा होगा जो आपका कुचालक होगा दोस्तों विद्युत का, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होगा, या आपका अभ्रक हो जाएगा या अधेय हो जाएगा या कचकड़ा हो जाएगा या रेत हो जाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रेत, अर्थात सैंड दोस्तों आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने रेत को देखा होगा दोस्तों दिन में बहुत ज़्यादा तप जाती है जिसके कारण रेगिस्तान का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और ये दोस्तों एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को और धीरे धीरे रात को दोस्तों छोड़ती है। और वैसे यदि आप इसके विपरीत देखेंगे दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उसका चालन नहीं करती, उसका कंडक्शन नहीं करती, तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है, जब यह 1 kV के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो आपको बताना है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अर्थात आपको पूछा गया है दोस्तों अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन
व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी दोस्तों किसी चार्ज पार्टिकल की, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, होता है आपका QV। QV आप नोट कर लेंगे दोस्तों, ये आपका होता है काइनेटिक का फॉर्मूला। यदि आपका दोस्तों कोई पार्टिकल होगा जो आपका मान लीजिए कोई द्रव्य है दोस्तों, उसके लिए आपका होता है 1/2 mv² होता है। लेकिन जब आपका चार्ज पार्टिकल होगा दोस्तों, उसके लिए आप इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के माध्यम से दोस्तों आप काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन है तो दोस्तों आपको पता होगा चार्ज जो आपका होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है। तो इसकी जगह पर दोस्तों आप ई रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा और यहाँ पर आपका वी आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों, पूरे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल की, वो आपकी इरिस्पेक्टिव होती है मास के, अर्थात दोस्तों मास पे डिपेंड ही नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सीधा रख देंगे वैल्यूज़ को। आपको देखिए वी बराबर क्या दिया दोस्तों, 1 kV दिया है। तो आप यहाँ पर सीधे तौर पर वैल्यूज़ रख देंगे दोस्तों, ई बराबर आपका हो जाएगा, चार्ज की जगह पर दोस्तों आपने ई को रख दिया, पुट कर दिया। और वैसे ही दोस्तों आपने जो आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो आपको दिया है 1 kV। तो ये क्या आएगा दोस्तों आपका, ये आपका आ गया E kV दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं 1 kEV। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला, देखता है आपको सी वाला सही हो जाएगा। कभी हो सकता है दोस्तों आपको चार्ज रख के दिया हो तो आपको चार्ज पता होना चाहिए दोस्तों, ई बराबर कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ आपका होता है दोस्तों। ये आपका माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन में और प्लस में होता है दोस्तों आपका प्रोटॉन में। तो आप इतना कूलाम याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या देखता है आपको, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आंशिक दबाव का डाल्टन का नियम किस पर लागू नहीं होगा। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपका दोस्तों NH3HCl पे, या फिर आपका N2O2 पे, या फिर N2H2 पे, या फिर H2 और HE पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका डाल्टन का लॉ है दोस्तों, ये आपका किस पर लागू होता है, ये आपका गैसों पर लागू होगा दोस्तों, पार्शियल प्रेशर वाला। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों NH3 और HCl पर लागू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या फिर यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, द कम्बाइनेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, या संयुक्त अभिक्रिया कहलाएगा, या संकलन कहलाएगा, या फिर दहन। ये दोस्तों आपका यहाँ पर कहलाता है कम्बाइनेशन रिएक्शन दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, संयुक्त अभिक्रिया दोस्तों कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ये आपका सेक्शन नंबर ई वाला था दोस्तों, होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब बचा दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का पार्ट, उसको भी दोस्तों बाद में करा देंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।